25x40 के अंदर 1000 स्क्वायर फीट में एक डिजाइनर घर है। लेकिन गाड़ी को भी पार्क कर सकते हैं इसी रियल एक्साइटिंग होटल जबरदस्त। तो यहाँ पे नीचीज काटी जिसमें ग्रीन उसके साथ वुडन नीचीज काटी। घर तो बहुत देखे होंगे लेकिन डिजाइनर घर नहीं देखा होगा, और भी 1000 स्क्वायर फीट में कैसे आप अपने सपनों का घर बना सकते हैं। देखिए सपना होता है घर हो अपना, और घर भी ऐसा डिजाइनर हो जाए तो कहना ही क्या। यही नहीं अभी और सुनिए, तो ऐसे डिजाइनर घर के साथ पीछे जो चीजें चल रही हैं उस तरीके की डिजाइनर लुक में इसकी फ्रंट एलिवेशन में आ गया। 25 फुट की एलिवेशन है जहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर डिजाइनर एरियाज बनाया है। 25 फुट चौड़ाई में और 40 फुट गहराई में ये 1000 स्क्वायर फीट का डिजाइनर घर है। इसकी फ्रंट एलिवेशन देखिए कितनी सुंदर है, जिसमें हमने ग्रे के साथ एलिवेशन में बहुत ही सुंदर टफ एंड ग्लास का काम किया है। सील रेलिंग के साथ बीच में ग्रे का जो पट्टा आ रहा है ना बॉक्सा बन गया है, वो डिजाइनर एरियाज बने। और टॉप तक जो 24 फुट में एरियाज हैं जो लुक में जबरदस्त नजर आ रहे हैं, जो माउंटी जिसको टॉप पे बोलते हैं उस तरीके की माउंटी एरियाज। 25 फुट को किस तरीके डिवाइड किया है, तकरीबन 12 फुट का ये एरिया बना दिया है जहाँ पे हमने WPC के साथ ग्रे कलर के एरियाज को बनाया गया है। एरिया लुक में जबरदस्त। उसके साथ ही यहाँ पे हमारा मेन पिलर्स हैं जहाँ पे तकरीबन 2 फुट का ये पिलर्स हैं। उसके साथ इसको स्लाइडिंग गेट के साथ बनाया सो डेट कि 25 फुट में आपके घर के अंदर ये गाड़ी पार्क हो जाए। देखिए गाड़ी आजकल की सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और 25 फुट में कैसे आप गाड़ी को भी पार्क कर सकते हैं इसी एरिया में डिफाइंड है। देखिए ये आपका स्लाइडिंग गेट है जहाँ पे ये स्लाइडिंग गेट के साथ ये एरियाज हैं जहाँ पे हमने घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। अच्छा ठीक है, स्लाइडिंग गेट के साथ यहाँ पे एक विकेट गेट भी लगाया गया है। देखिए यहाँ पे विकेट गेट है जिससे लुक में आपको क्या है कि हमेशा से ये नहीं खोलना है, तो विकेट गेट आपको इस तरीके से टर्न अराउंड हो जाएगा। अब इसके अंदर गाड़ी पार्क हो जाए तो इस तरीके के एरियाज बनाए हुए हैं, जैसे मैं स्लाइड करूँगा उस तरीके के ये 1111 गज का एरिया बनता है। और 25 फुट को हमने तकरीबन 12 फुट का एरिया बनाया और 15 फुट लंबा एरिया जहाँ पे घर के अंदर आपकी गाड़ी पार्क हो सकती है। पार्किंग का सबसे ज़्यादा इशू है, तो पार्किंग आपको मिल रही है इस एरियाज में। इसके साथ यहाँ पे डिज़ाइनर एरियाज में हमने बहुत ही सुंदर लुक बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के एरियाज बनाए गए हैं, देखिए लुक में ज़बरदस्त। तो एंट्रेंस पे ही आपको वार्म्थ मिले वो ग्रीन रेंस के साथ मिलती है। तो उसके साथ यहाँ पे हमने ग्रीन ग्रास के साथ वुडन टाइलिंग्स का काम किया है, जो कि नीचे से अच्छे डिफरेंट लुक में मज़ेदार लुक एरियाज डिफाइंड है। तो ऐसे लुक्स के साथ एरियाज होने चाहिए। देखिए डिजाइनर घर किसको बोलते हैं। देखिए नीचे हमने ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है, ऊपर यहाँ पे नीचीज काटी जिसमें ग्रीन ग्रास का वर्क है, और ऊपर यहाँ पर आप क्या बात है सर अरे सर क्या बात है की प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है। तो चीजें ऐसी कि लुक में एंट्रेंस में मजेदार लुक हो। उसके साथ ही यहाँ पे स्लाइडिंग गेट के साथ आ गया हमारा फ्रंट कोर्टयार्ड एरिया जहाँ पे तकरीबन 6 फुट की चौड़ाई में और 25 फुट लंबा एरिया जहाँ पे अपने वुडन टाइलिंग का वर्क है। यहाँ पे आपका वाटर टैंक बना रखा है हमने, यहाँ पे ड्यूल लैंप्स का काम है। देखिए रात को ये जगमग करेगा, तो सुंदर एरियाज के साथ ये डिजाइनर एरियाज। घर की फर्स्ट फ्लोर को स्टेयर्स जा रही हैं, ऐसा घर कि यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क है जहाँ पर आपका सुंदर एरियाज है। देखिए ग्रेनाइट हैवी होता है, यहाँ पे आप कोई बुलेट भी खड़ा लेंगे ना तो वो निशान नहीं पड़ेंगे, तो हैवी चीज़ें लगाई हैं जिससे आपका घर मेंटेनेंस फ्री रहे। ये भी देखिए मेंटेनेंस फ्री चीज़ें। उसके साथ हमारा मेन द्वार आ जाता है जिसमें हमने वुडन के साथ मेश विंडोज का काम किया गया, और यहाँ पे डोर है जहाँ पे मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये एडिटेज मिलेगा। मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोवेंचुअल। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज़ टू डिलीवर। पच्चीस बाय 40 के अंदर 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, और 1000 स्क्वायर फीट में एक डिजाइनर चीजें क्या करते हैं, तो एलिमेंट्स की डिजाइनर का काम है। देखिए एलिमेंट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे एक झूमर लगा हुआ है ना, लगा हुआ है शैंडलियर, छोटा सा शैंडलियर है। उसके साथ वुडन नीचीज काटी गई है जो कि लुक में जबरदस्त आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। डिमेंशंस की बात करूँ तो तकरीबन 12x25 का ये लंबा चौड़ा एरिया जहाँ पे आपका ड्राइंग डाइनिंग एरियाज है ना। बैक एंड वॉल पे देखिए हमने इसके अंदर वॉलपेपर का काम किया, यहाँ पे छोटा सा शैंडलियर, ऊपर सीलिंग में देखिए कितना सुंदर एरियाज है। 12x सीलिंग के अंदर कितनी सुंदर नीचीज काटी गई है, वुडन सीलिंग के अंदर आपका शैंडलियर दिखा रहा है। राइट हैंड राइट स्क्रीन पे आपको वुडन नीचीज लगी हुई है, यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग है एल शेप की जो लुक में जबरदस्त नजर आ रही है। देखिए चीजें लुक में जबरदस्त नजर आनी चाहिए। उसके साथ बैक एंड वॉल देखिए, मेरी बैक एंड वॉल पे LED टीवी यूनिट है जहाँ पे हमने व्हाइट और ग्रे के साथ सुंदर कॉम्बिनेशन किए गए हैं। उसके साथ यहाँ पे प्रोफाइल लाइट आपको नजर आ रही है व्हाइट के साथ सुंदर कॉम्बिनेशन में। ये जो लाइटिंग का वर्क है ना लुक में जबरदस्त, और पूरे के पूरे एरियाज में आपको WPC व्यूवर्स का काम नजर आ रहा है जो कि वुडन एरियाज में नजर आ रहे हैं। और ग्रीटिंग्स करता था ये आपका शैंडलियर, देखिए छोटा सा
शैंडलियर है, लुक में जबरदस्त है। Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. तो ग्रीटिंग्स ऐसी लगे कि भैया आपको ना कलर एरियाज ऐसे लगे कि आपको अच्छे लगे, एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। एस्थेटिकली प्लीजिंग तभी होंगे जब आपका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा। मेरा ये दावा है 100% लोग ना घरों के अंदर क्या है कि पिंक कलर करा देते हैं, लगता अच्छा है बंदे को पिंक कलर, लेकिन वो बाद में आपके कलर को दबा देता है। ये ऑफ बेज कलर, वॉलपेपर्स का कलर बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारते हैं। तो आप ज़रूर कीजिए, वेंटिलेटेड स्पेसेस में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, वेंटिलेशन स्पेसेस, तो चीज़ें लुक में ज़बरदस्त नज़र आनी चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे आ गया है छोटा सा आपकी मॉड्यूलर किचन। में डिमेंशंस की बात करूँगा, तकरीबन 8x8 की लंबी चौड़ी किचन है, जहाँ पे हमने वुडन का काम किया गया है हमारे पार्टीशंस के अंदर। ये जो ग्रीटिंग्स दे रहा था हमारा छोटा सा शैंडलियर डिज़ाइन है। उसके साथ हमने यहाँ पे आपके लिए एंटी नॉइज़ वाली सिंक का काम किया गया है। उसके साथ आपकी चिमनी के लिए हमने स्पेसिस को छोड़ा गया है। यहाँ पे गैस पाइपलाइन का वर्क है। ये आपकी टेंडेंस बास्केट्स हैं जो कि सॉफ्ट एनक्लोजर वाली चीज़ें हैं। उस तरीके के डिज़ाइनर एरियाज में घर एज इट इज़ मिलेगा। देखिए हमने इस घर के अंदर जो छोटे एरियाज के अंदर ऑफ बेज कलर का काम किया गया, जिसमें हमने प्रोफाइलेटिंग आपको लुक में नज़र आ रही हो, चीज़ें लुक में ज़बरदस्त नज़र आनी चाहिए बॉस, कि अच्छे एरियाज में डिज़ाइनिंग हो। तो ऐसी एरियाज के साथ ये घर एज इट इज़ मिलेगा। इसके फर्स्ट बेडरूम डिमेंशन की बात करूंगा, तकरीबन 12x10 का लंबा चौड़ा कमरा है, जहां पे हमने 10 फुट के अंदर वार्डरोब्स की भी डिजाइनिंग कर रखी है। और यहां पे बेड आ जाएगा, किंग साइज बेड आने के बावजूद भी स्पेस आपको नजर आएगा। स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं यहां पे, देखिए स्लाइडिंग वार्डरोब जैसे मैंने खोला, यहां पे प्रोफाइल लाइटिंग आपको नजर आएगी, और ये जैसे मैं बंद करूंगा ये बंद भी हो जाएगी। तो इस तरीके के डिजाइनर एरियाज के साथ यहाँ पे बहुत ही सुंदर माइका का वर्क है, वाइट और ग्रे के साथ सुंदर माइका का डिजाइनर एरियाज। उसके साथ यहाँ पे सुंदर आपकी एलईडी टीवी यूनिट है, एलईडी टीवी यूनिट में भी हमने ग्रे और वाइट के माइका का वर्क, और यहाँ पे एलईडी, यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का सुंदर वर्क। अब इसकी सीलिंग की बात करूंगा, देखिए नीचे स्टार्टिंग है वुडन सीलिंग के साथ, बहुत ही सुंदर डिजाइनर एरियाज में प्रोफाइल लाइटिंग के साथ लग्जरी फील मिल जाए तो ऐसा कहना ही क्या। देखिए छोटे से घर को आप कितनी सुंदर तरीके से सजा सकते हैं इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर जान पा रहे हैं। सीलिंग देखिए, उसके साथ ये वेंटिलेटेड स्पेसेस हैं। देखिए बेडरूम बना लिया, वेंटिलेशन ना हो तो उससे क्या होता है, आपका घर घुटन महसूस होगी, लेकिन घुटन ना महसूस हो तो ये वेंटिलेशन स्पेसेस आपके लिए मेश विंडो उसका काम करती है। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, जिसमें हमने वाइट और ब्लैक टाइलिंग के साथ प्ले किया है। नीचे देखिए ब्लैक टाइलिंग का बहुत ही सुंदर वर्क है, उसके साथ वाइट के साथ ऑफ वाइट कलर की टाइलिंग है, 2x4 की टाइलिंग चल रही है। उसके साथ ऊपर सीलिंग में वाइट कलर की सिंपल एरियाज हैं। देखिए वॉशरूम की सीलिंग के अंदर ना आप कभी भी चीज ना बनवाइए, उसको गंदगी हो जाती है, वो आपको यूज करने में और बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी साफ करने में भी। तो ऐसी चीजें बनाइए कि लुक में जबरदस्त हो और वो मेंटेनेंस फ्री हो। यहाँ पे वेंटिलेटेड स्पेसेस जरूर रखिए, वॉशरूम में गैसेस हो जाती हैं, चाहे आप WCC की गैस नहीं बोल रहा मैं, गीजर की भी गैस हो जाती है, तो वो गैसेस को करने के लिए एग्जॉस्टेड एरिया जरूर नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, जैसे फर्स्ट बेडरूम स्पेशियस था वैसे ही सेकंड बेडरूम भी है, 12x10 का ये भी लंबा चौड़ा कमरा है। तो बस आज हमने देखा 25x40 के अंदर 1000 square feet के अंदर कैसे डिजाइनर घर बना सकते हैं। देखिए घर छोटा हो लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए, ऐसा घर मिल जाए तो कहना ही क्या। दो आज हम लेके आए थे एक डिजाइनर घर, जहाँ पे हमने 1000 square feet में ऐसी फ्रंट एलिवेशन की थी, जहाँ पे टफ एंड ग्लास, स्टील रेलिंग, ऐसे मॉडर्न एलिमेंट, जहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का बहुत ही जबरदस्त वर्क था। तो चैनल पर पहली बार आए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें। छोड़ के जा रहे हैं ऐसी एलिवेशन के साथ जिससे आपको प्यार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।